नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति अग्निहोत्री। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम खास खबर में। यूपी की अयोध्या सीट से करीब 27 साल के बाद साधु और संत धर्म और जाति के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट देने की बात कर रहे हैं। ऐसा कहना है हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास का। फैजाबाद की अयोध्या विधानसभा सीट पर साधु संत भी अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से ही यहां मंदिरों और आश्रमों से निकलकर लोग कतारों में लगे हैं। इसी क्रम में अयोध्या में हनुमानगढ़ी के सागरिया पत्ती के महंत ज्ञानदास ने भी मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान धर्म जाति के आधार पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर हो। गौरतलब है कि साल 1990 के बाद से आम तौर पर राजनीतिक दल फैजाबाद के अयोध्या सीट पर धर्म जाति के नाम पर वोट देने की अपील करते रहे हैं। ऐसे में महंत ज्ञानदास का ये बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी का सियासी दंगल धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच चुका है। पांचवें चरण के तहत आज उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान हो रहा है। यूपी का सियासी दंगल अपने चरम पर है, इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रविवार को इसी क्रम में देवरिया विधानसभा सीट के बैतालपुर में एसपी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश को कायर प्रधानमंत्री मिला है। 56 इंच का सीना होने का दावा करने वाले मोदी सैनिकों की शहादत का बदला नहीं ले पाए। प्रमोद तिवारी ने कहा, अब तक हमारे 115 सैनिक शहीद हो चुके हैं। शहीदों के पार्थिव शरीर को कंधा दे रहे मोदी में बदला लेने का साहस नहीं है। अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ढिंढोरा पीट रहे हैं। तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री 1.90 करोड़ रुपए का काला धन विदेश से नहीं ला पाए तो अपनी नाकामी छिपाने और ध्यान बटाने के लिए नोटबंदी कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और अनुप्रिया पटेल ने रविवार को एसपी सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से हर साल हजारों करोड़ रुपए यूपी सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए दिए गए, लेकिन राजनीतिक कारणों से अखिलेश सरकार ने उसका उपयोग नहीं किया। यही कारण रहा कि 800 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में स्वास्थ्य सुविधाओं के पड़े रह गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति विपरीत है। यह प्रदेश अभी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पीछे है। नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने प्रदेश की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रदेश सरकार को 36,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि दी, लेकिन वे इसका भी पूरा खर्च करने में विफल रहे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पिताजी जहाज उड़ाते थे लेकिन बेटा साइकिल को धक्का दे रहा है। साक्षी ने यूपी के एटा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपी में उन्हें समाजवादी पार्टी का साथ मजबूरी में लेना पड़ा। उन्होंने साथ ही एसपी को भ्रष्टाचार की जननी बताया। बीजेपी सांसद ने कहा, चार चरणों के मतदान के बाद बीजेपी की 200 से ज्यादा सीटें पक्की हो गई है। यूपी चुनाव के सातों चरण पूरे होने पर बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलना तय है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चार चरणों के मतदान के बाद सभी राजनीतिक दल सर्वाधिक सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं। एबीवीपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट वायरल होने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने आरोप लगाया कि उसे रेप की धमकी मिली है। कारगिल शहीद कैप्टन मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर कौर ने कहा, उसके रोग के कारण उसे नफरत भरे संदेश मिले हैं। वह लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा है। गुरमेहर कौर ने एनडीटीवी से कहा, सोशल मीडिया पर मुझे काफ़ी धमकी मिल रही है। मुझे लगता है यह बहुत डरावना है जब लोग आपको हिंसा या रेप की धमकी देते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर रेप की धमकी देना सही नहीं है। उनके बयान को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित चौतरफा समर्थन मिला है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए समाचार टाइम 24।